आज अगर हम लोग बहन जी की बात करते हैं तो बहुत सारे बहुजन समाज के लोग, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे बहुजन समाज के लोग ही बहन जी को बोलते हैं कि इतने बड़े हाउस में रहती हैं और मूर्तियों के इतनी बड़ी मूर्तियां लगवा दी, जो पॉलिटिकल विषय में भी, जिसकी वजह से पीछे एक बार की सरकार से हाथ भी धोना पड़ गया था उनको। तो जो बहन जी अपनी जो राजाशाही जिंदगी जीती हैं, तो क्या ये वाकई में अपनी वो राजाशाही जिंदगी जीती हैं? क्या है उसके बारे में बताएं, क्योंकि कल माननीय साहब, अगर मैं बोलूं कि बहन जी का क्या त्याग है समाज के लिए, तो साफ साफ शब्दों में उसके बारे में बताएं। देखिए बहन, इस बात को मैं इस रूप में देखूंगा कि माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि सबसे सस्ती यात्रा जो है वो हवाई जहाज की है और सबसे सस्ता रहना 5 स्टार्स का है जी। इसका मतलब ये है कि मानवर कांशीराम साहब अपने समाज को उस लेवल पे देखना चाहते थे जहाँ पे उनके समाज का हर व्यक्ति 5 सितारा होटल में रहे, 7 सितारा होटल में रहे और हवाई जहाज से यात्रा जी। बाबा साहब ने कहा कि हमें किसी भी तरीके से छोटा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा अपना उद्देश्य महान रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए जी। जब बहन जी का पिछले 40-45 साल का हम जीवन देखते हैं तो उसमें 30 साल तो उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है। आज जो लोग इस तरह की बात करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें बहन जी के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बहन जी के संघर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बहन जी के त्याग और बलिदान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 77 से लेके 2007 तक, जब तक वो फुल फ्लैश मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, ये जो पीरियड है, इस पीरियड को आप कह सकते हैं उधर 23 साल और 30 साल का पीरियड जो है बहन जी ने सड़कों पे गुजारा है। बहन जी ने रात दिन बहुजन आंदोलन के लिए अपना खून पसीना एक दिया, तब जाके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और हमारी जो 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 हमारी जो बहुजन समाज की शिखर शख्सियत है, शिखर राजनीतिक शख्सियत है, अगर वो आलिशान मकानों में नहीं रहेगी तो क्या चाहते हैं कि आप जो हैं उनको झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, ये अब हो नहीं सकता। उन्होंने हमारे लिए एक मुकाम बता दिया है, हमारे लिए कि उन्होंने उद्देश्य दिखा दिया। बाबा साहब ने कहा कि मेरा उद्देश्य प्रभु भारत का निर्माण करना है, बाबा साहब ने कहा कि मेरा उद्देश्य इस जमात को शासककर्ता जमात बनाना है। बहन जी ने अपने लाइफ स्टाइल से दिखाया कि अगर आप संघर्ष करते हैं, आप समाज के लिए त्याग करते हैं, तो आप बहुत ही आलीशान जिंदगी भी जी सकते हैं। लेकिन आलीशान जिंदगी ही बहन जी नहीं जी रही हैं, आज भी वो इस देश के दबे कुचले लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जब कभी भी अवसर आता है वो अपने आप को इस रूप में सामने लाती हैं, दिखाती हैं, बताती हैं कि उनके दिल में आज भी दर्द है। जब ऊना की घटना हुई,